अच्छा जी, फिर वो कहता है यहाँ पे कि ये जो आपस में इतने सारे डिस्प्यूट्स थे, जो अभी हमने मूवी देखी लिलीपुट और ब्लेफेस्को, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो इंग्लैंड और फ्रांस को और उनके आपस के डिस्प्यूट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, द कंफ्लिक्ट बिटवीन बिग इंडियंस एंड लिटल इंडियंस, द कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। लिलीपुट और ब्लेफेस्को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस को, और बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फायर इन द क्वींस रूम एंड गुलिवर्स प्रोफेन एक्शन टू सेव लाइव्स, दिस आल्सो शोज गुलिवर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, इट असर्ट्स दैट फैक्ट दैट गुलिवर्स कैन कंट्रोल द लिलीपुटियंस, द क्वीन रिप्रेजेंट्स क्वीन एनी। जब गुलिवर्स का सेकेंड ट्रेवल होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि लिलीपुटियंस, सॉरी लिलीपुटियंस के ही जो जब वहां पे होता है, वहां पे क्या होता है कि क्वीन के कमरे में ना आग लग जाती है। अभी हमने मूवी में देखा, मूवी में ये चीज नहीं थी, तो एक बहुत शॉर्ट सी मूवी थी, उसमें क्या हुआ कि गुलिवर जो है उन सबको बचाने के लिए क्या करता है कि वो आग बुझाने के लिए एक प्रोफेन एक्शन कर देता है टू सेव लाइफ, ठीक है, वो यूरिन पास कर देता है गुलिवर्स जो क्वीन के रूम के ऊपर, ताकि सब लोग बच जाएं। लेकिन वो जो क्वीन जो है वो उससे नाराज हो जाती है। तो ये जो क्वीन है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है स्विफ्ट की अपनी क्वीन जो थी, क्वीन रिप्रेजेंट द क्वीन एनी। स्विफ्ट ने एक किताब लिखी थी द टब ऑफ वॉर, जो कि जिसके अंदर उसने मतलब एक पॉलिटिकल इशू था उसको, मतलब जो कि बहुत इन्फ्लेम्ड था, उसको कूल डाउन करने के लिए उसने एक किताब लिखी थी, और क्वीन एनी जो है स्विफ्ट से नाराज हो गई। तो उस पूरे सिनेरियो को जो है गुलिवर स्विफ्ट ने गुलिवर की कहानी में बताया कि जी वो जो गुलिवर होता है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो शो करने के लिए क्या करता है, या मुल्क को बचाने के लिए, या क्वीन के रूम को बचाने के लिए, या बादशाह को बचाने के लिए एक नेकी करता है और रूम उसके रूम की आग बुझा देता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो क्वीन है वो ही उससे नाराज हो जाती है। गुलिवर्स लर्न्स अबाउट कस्टम्स ऑफ द लिलीपुटियंस, चिल्ड्रन आर रेज्ड बाय किंगडम नॉट बाय इंडिविजुअल पेरेंट्स। गुलिवर जो है लर्न करता अबाउट द कस्टम्स ऑफ लिलीपुटियंस, ठीक है, कस्टम्स ऑफ लिलीपुटियंस को वो लर्न करता है, और चिल्ड्रन जो है वो अपनी किंगडम थ्रू किंगडम रेज होते थे, उनका ब्रॉट अप किंगडम नहीं होता था बल्कि इंडिविजुअल पेरेंट्स के थ्रू नहीं होता था। द लेबरर्स चिल्ड्रन स्टे एट होम बिकॉज दे आर सपोज टू वर्क इन अ फार्म। और जो लेबरर्स चिल्ड्रन हैं वो घर पे रहते थे क्योंकि वो सपोज किया जाता था कि वो फार्म में ही रहेंगे, ठीक है। स्विफ्ट इज कंसर्न्ड विद द कंक्रीट सोशल पॉलिटिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये सोशल पॉलिटिकल और मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ये सारी चीजें आप गुलिवर्स ट्रेवल्स में पढ़ेंगे। अभी तो हमने डिटेल समरी पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना किसी ने। He believes that in the man God had created an animal which was not inherently rational but only capable on the occasion of behaving reasonably, only as he put it, rashness caps. अब वो क्या बिलीव करता है स्विफ्ट के, इन मैन गॉड हैज क्रिएटेड एन एनिमल। बताया था अभी आपको कि गॉड ने एक एनिमल जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है, हर इंसान के अंदर एक जानवर है, ठीक है, विच वॉज नॉट इनहेरेंटली रैशनल, जो इनहेरेंटली कोई रैशनल नहीं है, बट ओनली कैपेबल ऑन ओकेजन, कुछ ओकेजन में हम डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट परफॉर्म करते और बिहेविंग रीजनेबली, ठीक है, ओनली कैपेबल ऑन ओकेजन ऑफ बिहेविंग रीजनेबली, ओनली एज ही पोटेड रैशन इज कैपेबल। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि स्पेशली माएँ क्या करती हैं, जब घर में कोई नेक आंटी आ जाती हैं, कोई रिलीजियस आंटी आ जाती हैं, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा जरा वो नात तो सुनाना। और घर में थोड़ी सी मॉडर्न आंटी आ जाए तो क्या कहते हैं, बेटा वो जरा शाहरुख खान का गाना सुनाना, वो फलाना वो फलानी, वो देखो मेरी बेटी कैसे मॉडर्न लग रही है, करते हैं ऐसे। इसी तरह हम किसी मस्जिद में चले जाते हैं तो हमारा गेटअप और हो जाता है। अभी किसी शादी पे देखें, यकीन नहीं आता ये वही बच्ची है जो इतने कवर्ड होके आई हुई थी वहां पे फलानी जगह पे। तो क्या है, हम जो है वी आर ओनली कैपेबल ऑन ओकेजन ऑफ बिहेविंग रीजनेबली,
हम अपने आप को मतलब हम बिहेव करते हैं रीजनेबली, यानी कि जो ओकेजन है उसके हिसाब से हम अपने आप को सेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको तो हम यही कहेंगे, यानी कि हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है. ओनली एज ही पुट इट रेशनिस्ट कैपेक्स, ठीक है, एक जानवर है ना, अगर उसको रस्सी बांध के रखेंगे तो वो वहीं अपने मालिक के साथ रहेगा, रस्सी छोड़ देंगे तो वो भाग जाएगा, ऐसे ही होगा. तो इंसान भी इसी तरह का, वो कहता है कि इंसान को जो है ना अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है कि उसके अंदर ना एक जानवर है और वो डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. ये अब बिहेवियर हम पूरी गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर पढ़ेंगे. अभी आपके अंदर और क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि हम किसी तरह आज गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ ही लें, मैम ने इतना कुछ बता दिया इसके बारे में. तो ये सारी चीजें एक्चुअली इस स्लाइड को शो करने का आपका मकसद पहले ये था कि जब आपके अंदर थोड़ी क्रेविंग होगी ना, वैसे आप इसको एज अ स्टोरी पढ़ते हैं. आपको नहीं समझ आना था कि हमने इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो क्या. स्टोरी बहुत सिंपल है, द थिंग इज दैट उसको इस एस्पेक्ट में पढ़िएगा जो आज आपको थीम्स पढ़ा रहे हैं. गुलिवर ट्राइज टू बी रेशनल विद द पीपल ही मेट, और गुलिवर जो है वो रेशनल होने की कोशिश करता है विद द पीपल ही मेट. हम भी करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से. सबसे ज्यादा शामत तो अपने घर वालों की आती है, अपने बच्चों की आती है, बाहर वालों को तो हम कुछ नहीं कहते, है ना, बाहर वालों को तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं, घर वालों के साथ बड़ा बुरा बिहेवियर है. आगे चलते हैं, ये कुछ पिक्स हैं, ये गुलिवर है. अभी हमने मूवी में देखा कि लिलीपुटियंस को बचाने के लिए वो जो एक उनके ऊपर लिलीपुटियंस के ऊपर वार होता है तो वो किस तरीके से ये सारी कश्तियों को बांधता है और ये वो लेके आ रहा है वापस बादशाह के पास के देखो मैंने तुम्हारा मुल्क बचा दिया. गुलिवर्स ट्रेवल्स पैराडॉक्स, पैराडॉक्स देखते हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स में क्या है. गुलिवर्स इन रिवर्स सिचुएशन, गुलिवर्स एनस्लेव्ड बाय फार्मर, बेटा ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इसका जो है अभी फिलहाल इतना काफी है, इतना हजम कर लें, ठीक है. इस जो दूसरी स्लाइड है वहां से मैं आपको एक डिफरेंट चीज आपको पढ़ाना चाह रही थी.